जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज गांधी चौक नीमताल से एक रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशंक जैन, विधायक शशांक भार्गव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार सहित जिले भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। गांधी चौक पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही बाइक यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जो अहमदपुर चौराहे पर संपन्न हुई। संविधान बचाओ दिवस के रूप में कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बताया गया है कि आज ही के दिन 2 साल पहले कमलनाथ ने लोकतंत्र को बचाने के लिए खरीद फरोख्त किए बगैर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाइक रैली के जरिए अहमदपुर तिराहे पर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस तिरंगे यात्रा का समापन किया गया। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज सम्मान दिवस की रैली निकाल रही है, क्या है ये पूरा? देखिए, आज ही के दिन 20 मार्च 2020 को प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने धनबल को ठुकराते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अपना पद त्याग दिया, मगर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया। और उसी के तहत आज पूरे मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस और संविधान बचाओ अभियान आज पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज विदिशा में हमने गांधी जी की मूर्ति से पर माल्यार्पण कर और पूरे नगर में होते हुए यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया। एक लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में वापस हुई थी 2018 में, आपको लगता है फिर से 2023 में कांग्रेस की वापसी होगी? निश्चित तौर पर जितना आपकी घड़ी में बज रहे हैं वो सच है, उतने ही पटल पे लिखा है कि 2023 में फिर कांग्रेस पार्टी और फिर कमलनाथ। भारतीय जनता पार्टी जो है बूथ स्तर तक काम कर रही है, हर एक जगह अपने काम कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी इधर भेद इनके गणों को भेद पाएगी? कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप चालू है और मतदान केंद्र पर और पेज तक कांग्रेस पार्टी जा रही है, और भाजपा ने तो मिस कॉल पर मेंबरशिप बनाई थी, किसी का भी मोबाइल लिया, मिस कॉल दिया, ना मिस कॉल देने वाले को पता है, ना जिसके पास मेंबरशिप हो रही है उसको पता है। कांग्रेस सच्चाई पे विश्वास करती है, फर्जीवाड़ा पे विश्वास नहीं करती। एक रतलाम में एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिग्विजय पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी ने बोला था, कांग्रेस के कार्यकर्ता आप लोग एक हो जाओ, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता 23 के बाद ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं, निश्चित तौर पर यदि उन्होंने कोई बात कही होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जहाँ तक विदिशा जिले की बात है, विदिशा जिले में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आने वाले 2023 के चुनाव में चुनाव लड़ेगी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। बहुत कम समय बचा है 23 में, क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? 100% कांग्रेस वापसी करेगी। कांग्रेस आज ये जो रैली निकाली गई क्या है? आज 20 मार्च है और आज ही के दिन जनतंत्र से चुनी हुई कांग्रेस की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, उनको आज खरीद फरोख्त करके, जनतंत्र का गला घोंट के, लोकतंत्र की हत्या कर भारत जलाओ पार्टी द्वारा आज मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था माननीय कमलनाथ जी ने, और उसका कारण देश और दुनिया सब जानते हैं। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई, बड़ी मेहनत कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगी, क्या ये मानते हैं कि 23 में कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? 23 में कांग्रेस की वापसी निश्चित रूप से होगी, और राज्यों का जो आपने जिक्र किया, 2 सीटें दी भारतीय जनता पार्टी की, इसके बाद भी उन्होंने कभी आस नहीं छोड़ी। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने देश आज़ाद कराया, अगर इस तरह से हतोत्साहित होने लगते आज जो देश का सीन चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम मैंने आज से भारत जलाओ पार्टी रख दिया, उसके द्वारा जो जहर बोया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के नौजवान में, एक दिन उसका पर्दाफाश होगा। एक पिक्चर दिखाई जा रही है, आपको याद, उस समय बीपी सिंह साहब की सरकार थी, जगमोहन वहाँ पर राज्यपाल थे, और उनके द्वारा प्रायोजित पलायन करवाया गया था वहाँ के पंडितों का। लेकिन मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनकी सरकार में हुए कांड का सच दिखाने का साहस किया, और अब जनता समझ चुकी है कि ये भारत जलाओ पार्टी ना कि भारतीय जनता पार्टी है, इनके आचार विचार तमाम पूरी जनता जान गई है। इस बार उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम करके 5 राज्यों में चुनाव जीता, क्या EVM के सहारे जीता, और आपको जानकारी है कि 200 से लेकर 2000 वोट तक 165 सीटों में अंतर रहा सपा और भाजपा का। निश्चित रूप से जो कारगुजारी की है उसका परिणाम है, जीते बीते नहीं।
भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अभी शराब की दुकान में तोड़फोड़ की थी, चूंकि सरकार उनकी है केंद्र में भी और राज्य में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब ये तो किसी भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता से पूछोगे आप किसका सर फोड़ेंगे वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।